नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने ड्रीम इलेवन पे टीम बनाने के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। और मैं आप लोग को पहले ही आश्वस्त कर देता हूं कि मैं जिस प्रकार से टीम बनाता हूं उसी प्रकार से आप लोग भी बनाइएगा, तो आप सीख तो पाइएगा, लेकिन मैं गारंटी नहीं दूंगा कि मैं जो टीम बना रहा हूँ वो आप लोग लगाइए और करोड़पति बन जाइए। ये मेरे तरफ से कोई गारंटी नहीं है, बल्कि आप लोग को सिखाने की भी उसे मैं टीम बना रहा हूँ कि किस प्रकार से मेगा कंटेस्ट के लिए यानी ग्रैंड लिंक के लिए टीम बनाते हैं, कैसे टीम बनाते हैं। तो चलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और मैं देखिए मैं किस तरह से टीम बनाता हूँ। और मैं आप लोग को एक बात से आश्वस्त कर देता हूँ कि बहुत लोग अपने पेड ग्रुप भी चलाते हैं कि मेरे पेड ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, मैं आपको रैंक वन हासिल करा दूंगा, मेगा कंटेस्ट जितवा दूंगा, करोड़पति बनवा दूंगा। बहुत सारे लोग ज्वाइन भी हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब एक ग्रुप में, एक पेड ग्रुप में मान लो 1000 लोग हैं, 500 लोग हैं या 200 लोग हैं, 200 लोगों को जो टीम दे रहा है सबको एक ही प्रकार से टीम देगा। और मान लो चार टीम दिया या पांच टीम दिया, सब कोई अपना पांच पांच टीम लगा दिया एक मेगा कंटेस्ट में, अगर उसका कोई भी टीम जीतेगा तो जो ग्रुप में 200 लोग हैं वो सब लोग एक नंबर पे आ जाएंगे। यदि दो नंबर पर कोई आ रहा है तो सब लोग दो नंबर पर आ जाएंगे। और 100-200 लोग कभी सेम ही रैंक पाए नहीं है, एक नंबर पर भी नहीं आए हैं, दो नंबर पर भी नहीं आए हैं। यहाँ तक कि अगर मैक्सिमम बात किया जाए तो 2 से 3 लोग ही एक नंबर पर आते हैं। ये पेड ग्रुप से कोई लोग आता नहीं है एक नंबर पे, और ये पैसा कमाने का नहीं बल्कि ड्रीम इलेवन खेलने वाले को लोभ देकर पैसा लूटने का काम चल रहा है। इसीलिए आप लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन मत होइए, आप लोग विभिन्न स्रोतों से जानकारी हासिल कीजिए, अनुभव हासिल कीजिए और अपने अनुभव से, अपने मन विचार से, अपने पसंद से टीम बनाइए। और अपने अनुभव से टीम बनाइएगा तो उसमें ये नहीं रहेगा कि मैं दूसरे के बात में आकर इसको चुन लिया, उसको चुन लिया, इसको चुना रहता तो मैं जीत जाता। इसीलिए आप लोग अपने अनुभव से टीम बनाइए। और मैं जो टीम बनाता हूँ तो देखिए कैसे मैं टीम को चुनता हूँ और टीम चुनने में कौन कौन सी बातें को ध्यान में रखते हैं, ये सब बातें आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा। तो चलिए मैं पहला टीम बनाता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को पिच के बारे में दिखा दूँ, तो यहाँ गाइड पर क्लिक करेंगे फिर आपको मैच स्टेटस पे ले जाएंगे। तो आपको बता दूँ कि भारत अपने लास्ट 5 मैच में से 1 मैच हार गया है, उसके बाद लास्ट 4 मैच जीता है, जबकि न्यूजीलैंड अपना लास्ट 5 में 5 मैच जीत कर आया है। उसके बाद आपको वेन्यू स्टेटस बता दूं तो यह बैचिंग पिच रहने वाली है, क्योंकि आज का मैच जो न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्टेडियम में खेला जाएगा, जो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम है जो कि धर्मशाला में है उस पर खेला जाएगा। यह बैटिंग के लिए ज़्यादा हेल्पफुल पिच है। यहाँ अगर बॉलर की बात की जाए तो पेसर्स के लिए भी हेल्पफुल है, स्पिनर को यहाँ विकेट बहुत कम मिली है। कल का अगर वेदर की बात की जाए तो कल रैनी मौसम रह सकता है, लेकिन रैन होने की बहुत कम चांस है। अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो यहाँ पिछले 5 ओडीआई मैचों में 74 विकेट गिरे हैं, जिसमें से 48 विकेट पेसर्स हासिल किए हैं और 26 विकेट स्पिनर हासिल किए हैं। एवरेज रन की बात की जाए तो पिछले 5 ओडीआई मैच में 253 रन बने हैं, एवरेज रन 253 हैं। अगर हेड टू हेड की बात की जाए तो न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच अभी तक 15 ओडीआई मैच में आमना सामना हुआ है, जिसमें से इंडिया 7 मैच जीते हैं और न्यूजीलैंड 6 मैच जीते हैं, 2 मैच का कोई रिजल्ट नहीं है। ओवरऑल कल का जो पिच है यानी धर्मशाला का जो पिच है वो बैटिंग के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल रहने वाला है। तो इस व्यू से अगर बात करेंगे तो गेंदबाजों पर हम कम ध्यान देंगे और बल्लेबाजों पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि धर्मशाला के जो ग्राउंड है वो छोटा भी है जिससे वहाँ रन स्कोर भी ज़्यादा बनता है। तो चलिए मैं टीम सिलेक्शन पे बात करें तो सबसे पहला टीम में सेलेक्ट करेंगे विकेट कीपर की बात की जाए तो पहले टीम में हम कैनबे को रखेंगे और लेथम और राहुल को छोड़ देंगे। फिर बल्लेबाज की बात की जाए तो शर्मा, विराट कोहली और
शुभमन गिल को चुनेंगे ही चुनेंगे। उसके बाद एक और प्लेयर को लेंगे, मिचेल डेरिल मिचेल को भी ले सकते हैं या ग्लेन फिलिप को भी ले सकते हैं। डेरिल मिचेल पहले आते हैं इसलिए मैं डेरिल मिचेल के साथ जाता हूं। फिर ऑलराउंडर की बात करें तो रविंद्र जडेजा आर रविंद्रा को लेंगे। और मेरे विचार से कल मिचेल सेंट्रल का दिन नहीं बनता है क्योंकि कल स्पिनर उतना नहीं अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे जितना अदर पिच पे करेंगे। अब यदि स्पिनर की बात करें तो आप बोलेंगे कि रविंद्र जडेजा को क्यों लिए, तो रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी भी करते हैं और थोड़ा ऊपर भी आते हैं और मिचेल सेंटनर बहुत बाद में आते हैं तो लेंगे, दूसरे टीम में मिचेल सेंटनर को लेंगे। लेकिन फिलहाल मैं रविंद्र जडेजा और आर रविंद्रा के साथ आगे बढ़ता हूँ। अब बॉलर की बात है, बॉलर की बात आती है तो बुमराह को लेंगे क्योंकि बुमराह भारतीय टीम के मेन बॉलर हैं और फास्ट बॉलर हैं। कुलदीप यादव को इसमें नहीं लेंगे, मैट हेनरी को लेंगे। ट्रेट बोल्ट को ले सकते हैं क्योंकि ट्रेट बोल्ट अभी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं लेकिन कल हो सकता है अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। वहाँ फास्ट बॉलर का दबदबा रहेगा और ट्रेट बोल्ट न्यूजीलैंड के मेन बॉलर हैं। फिर एक फर्गूसन के साथ जाएंगे, फर्गूसन जो कि बहुत कम लोग इनको चुना है इसीलिए मैं फर्गूसन को प्रेफरेंस किया हूं कि ये कल एक्स फैक्टर हो सकते हैं। अब टीम प्रीव्यू देख लीजिए तो भारत की तरफ से रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, और भारत की तरफ से एक और बॉलर लेना है। अब ये तीनों में से एक बॉलर को ड्रॉप करेंगे और इंडिया से एक बॉलर और लेंगे। वो देखते हैं कौन ड्रॉप होने वाला है, बोल्ट, हेनरी, फर्गूसन। तो ओवरऑल अभी बोल्ट अच्छा नहीं चल रहे हैं इसीलिए बोल्ट को मैं ड्रॉप कर देता हूं। इसमें बोल्ट को ड्रॉप कर देता हूं, किधर गए बोल्ट साहब, हाँ बोल्ट को ड्रॉप कर दिया। और कुलदीप यादव या मोहम्मद सिराज, ये दो लोगों में से एक को लेंगे तो मेरे ख्याल से मोहम्मद सिराज को ही लेंगे क्योंकि कल फास्ट बॉलर का दिन होने वाला है। तो अब देखिए संतुलित टीम नजर आएगा, दो दो फास्ट बॉलर दोनों से हैं, दो ऑलराउंडर हैं और तीन इंडिया के बल्लेबाज हैं और दो न्यूजीलैंड के। अब इसमें कैप्टन की बात करें तो आप लोग रोहित शर्मा को कैप्टन और विराट कोहली को वाइस कैप्टन बना सकते हैं, या यदि रोहित शर्मा को छोड़ेंगे तो शुभमन गिल को कैप्टन और विराट कोहली को वाइस कैप्टन बना लेंगे। अगर इसी के साथ दूसरी टीम, ये मेरा पहला टीम हो गया, दूसरी टीम की बात करें तो बल्लेबाजी क्रम में देखेंगे तो डेरिल मिचेल को हटा देंगे क्योंकि इनको 78% लोगों ने चुना है। फिर केएल राहुल को नहीं लेंगे, टीम लेथम को लेते हैं, इनको 31% लोग ही चुना है फिर बल्लेबाजी में देख रहे हैं। तो एक रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली, ये दो लोगों में, तीन लोगों में से एक को ड्रॉप करेंगे और मेरे ख्याल से कल रोहित शर्मा को रहने देते हैं, विराट कोहली को छोड़ देते हैं, विराट कोहली को ड्रॉप कर देते हैं और ये दो को रहने देते हैं, मिचेल डेरिल मिचेल को रहने देते हैं, एक डब्ल्यू योंग को ले लेते हैं क्योंकि इनको बहुत कम लोग चुने हैं, 24% लोग ही चुने हैं जो एक्स फैक्टर बन सकते हैं, मेगा कंटेस्ट जिताने के लिए एक्स फैक्टर बन सकते हैं। और कल इनको इसमें डब्ल्यू योंग को मैं कैप्टन चुनूंगा, एक्स फैक्टर हो सकते हैं। इनमें ये दो को रहने देते हैं, आर रविंद्रा को, ये तीनों को चुन लेते हैं, एक बॉलर इसमें कम कर देंगे, किसको कम करेंगे तो मैट हेनरी ठीक है, आपको सिराज को हटा देते हैं, दो ही बॉलर इंडिया का रहेगा। और एक आप मिचेल सेंटनर को ले लीजिए। आप देखिए फाइनली टीम क्या दिख रहा है, इंडिया से चार और पाँच सात हो गया आपको न्यूजीलैंड से। तो मेगा कंटेस्ट में इस तरह का टीम देखने को मिलता है, जो लोग वन रैंक हासिल करते हैं वो एक साइड से सात टीम और एक साइड से चार टीम के साथ भी वन रैंक हासिल करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये टीम गारंटी के साथ आपको वन रैंक हासिल करा देगा, मैं आपको अपना अनुभव शेयर किया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। लेकिन हाँ, अंत में भी मैं आपको बोलता हूँ, पेड ग्रुप के चक्कर में मत रहिएगा और पेड ग्रुप और अधिक से अधिक टीम मत बनाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 टीम बनाइएगा और अप टू 20 टीम का ऑप्शन रहता है, लेकिन कोई कोई लोग 20 टीम बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पूंजी लग जाता है और लोग बर्बाद भी हो जाते हैं। इसीलिए आप लोग 5 टीम ही बनाइए मैक्सिमम और पेड ग्रुप के चक्कर में मत रहिए। थैंक यू। जय हिंद।